आखिर कितना बजट हो सकता है अपकमिंग फिल्म रेस 4 का, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके फेवरेट सितारों के बारे में अपडेट लाए तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज में। सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में। दोस्तों, रेस 4 एक आगामी हिंदी भाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका को निभाने वाले हैं और उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर स्क्रीन को शेयर करने वाली है। इस फिल्म में स्टाइलिश कैरेक्टर्स, महंगी कारें तो वहीं खूबसूरत लोकेशंस को बखूबी दिखाया जाएगा। और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रह चुकी फिल्म रेस की चौथी सीक्वल है। और दोस्तों, वहीं इस फिल्म की बजट की बात करें तो बॉलीवुड में फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही उन पर जोरों शोरों से चर्चे होने शुरू हो जाती है और इस फिल्म के भी बारे में कई सारे चर्चे हो रहे हैं, जैसे कि क्या ये भी फिल्म सलमान खान की बाकी फिल्मों की तरह होगी सुपरहिट या रह जाएगी एक कमर्शियल हिट बनकर, और क्या होगी इस फिल्म की बजट। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के टीम मेंबर्स के द्वारा अब तक इस बात की कोई खुलासा नहीं की गई है कि इस फिल्म का बजट क्या होगा। लेकिन अगर सलमान खान के पूर्व के फिल्मों की बात करें तो उनके पूर्व के फिल्में हमेशा सुपरहिट रही हैं और उनका बजट हमेशा से ही ज्यादा रहा है। जैसे कि सलमान खान के फिल्म दबंग 3 की बात करें तो उसका बजट 130 करोड़ रुपए का था, तो वही फिल्म भारत की भी बजट 100 करोड़ रुपए की थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का भी बजट कम से कम 100 करोड़ का तो होगा ही। वैसे दोस्तों, यह तो हमारे अनुमान थे, और इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह फिल्म भी रेस के बाकी पार्टों की तरह सुपरहिट होगी या रह जाएगी ये कमर्शियल हिट बनकर, और क्या होगा इस फिल्म का बजट आपके अनुसार, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।